स्वामी जी, अपन ने जो ये 50 एपिसोड किए हैं, और ये 50 एपिसोड कब हो गए, कैसे हो गए? आप भी कह रहे हो तो कि एक एक दिन में 8 कैसे हो जाते हैं, तो ये सब आपके सानिध्य का प्रभाव है। आप अनुभवी हो, ज्ञानी पुरुष हो। मुझे तो प्रश्न जो है आपके मुख मंडल की तरफ देखता हूँ तो प्रश्न खड़ा हो जाता है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष की जो हाजिरी होती है वो अपना काम करती है, ये मैंने अनुभव किया है। मुझे प्रश्न तैयार करके तो लाया हूँ, लेकिन वो पन्ना देखने जरूरत पड़ी नहीं है। और जितनी बार भी किया, अब तक लगभग 200 एपिसोड हमारे आज संपन्न होने जा रहे हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि आपके प्रश्न में से प्रश्न निकलता है, आपके आभा मंडल में से प्रश्न निकलता है, आपकी उपस्थिति से प्रश्न निकलता है, आपके अनुभव से प्रश्न निकलता है। और जब जहाँ सबसे बड़ी बात है, सब कुछ मिल जाता है लेकिन ज्ञानी पुरुष नहीं मिलते हैं, तो मैंने ये महसूस किया। तो स्वामी जी, ये 50 एपिसोड हमने जो पूरे किए हैं, तो आप जो है उपसंहार के रूप में, निष्कर्ष के रूप के अंदर मोटी मोटी क्या बातें लोगों को देना चाहोगे, ताकि कि सामान्य और जो है उच्च दर्जे का सभी तरह के लोग जो है उसको जो है वो आप समझे और वो उसका उपयोग करे, तो कृपया ऐसा मार्गदर्शन निष्कर्ष के रूप में लोगों को दीजिए, नवनीत निकाल के दीजिए, क्योंकि हमने खूब मथा है, खूब मथा है। लगभग जो है 50 एपिसोड में 100-150 प्रश्न हो गए हैं, तो उसके मंथन से जो नवनीत निकला है और आपने ही निकाला है, वो नवनीत जो है हमारे जो है मुमुक्षुओं, जिज्ञासुओं को और हमारे जो दर्शक श्रोतागण उनको दीजिए, ताकि हमारी ये सत्संग स्थायी हो जाए। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है आध्यात्म विज्ञान के अंदर, बहुत बड़ी बात कि सेंटर में कभी व्यक्ति को नहीं रखना, सेंटर में परमात्मा को रखो और सेंटर में कुदरत का कानून रखो, सेंटर में छह तत्व रखो, उसमें कितना बेनिफिट है वो शायद आम आदमी अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, मगर मैं थोड़ा थोड़ा रहस्य बताता हूं। अगर सेंटर में आत्मा, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना रहा ज्ञान और दर्शन के रूप में, तो फिर देहाध्यास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कर्ता भाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मालिकी भाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मैं आगे तुम पीछे, मैं बड़ा तुम छोटा, ये सब्जेक्ट रहेगा नहीं। साधन संपत्ति संबंध और साधन में मेरा मालिकी पर नहीं रहेगा, प्रकृति के प्रति मोह है, राग है, मन वचन काया रूपी प्रकृति के प्रति वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपको वो कुदरती रचना में दिखती है और वो अंत अपने आप ही वो अंत की ओर जा रही है, तो जो मोह है वो आपको नहीं रहेगा। इसके अलावा ये विज्ञान जैसे जैसे जानते जाओगे तो भीख और भय नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपको कुदरती कानून मालूम हो गया कि ये दुनिया में कुछ भी भौतिक चीजें लेने वाला और देने वाला स्वतंत्र नहीं है, उनके हिसाब के मुताबिक कुदरत हमको लेने देने का संजोग देती है, और इसीलिए कोई व्यक्ति मेरे पास से कुछ है तो ले लेंगे, या तो कोई वस्तु उनके पास है तो मेरे को दे देंगे, ऐसा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका हिसाब है सुख का या दुख का तो मिलके ही रहेगा, और हिसाब नहीं है तो कितना भी प्रयास करोगे सफलता नहीं मिलेगी, यही कुदरत का कानून है। कुदरत कानून के मुताबिक चलती है, किसी व्यक्ति की मर्जी के मुताबिक नहीं चलती है, और वो कानून के आधार से जो परिस्थितियां देता है कुदरत, वो पिछले अवतार के कर्मों के फलस्वरूप देता है। यानी आज की परिस्थिति के अधीन अगर हम सोचेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही मिलना चाहिए, यही नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये सब्जेक्ट यहाँ रहेगा नहीं, यानी आपको विकल्प नहीं करना है, आपको ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, जो हो रहा है पिछले अवतार के कर्मों के फलस्वरूप है और वो पास हो रहा है, पास करना नहीं है,
मगर पास करते समय आपको संभाव में रहना है, ऑब्जर्वर होना है और कुदरती रचना के रूप में देखना है, तो फिर आपके जीवन की कोई भी अवस्था आपके ज्ञान और दर्शन को, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को हरकत नहीं करेगी। तो ये सीधी साधी बात है। मैंने पहला कहा सेंटर में व्यक्ति को रखना नहीं है, ये आध्यात्म विज्ञान का भय स्थान है। अगर रखोगे तो फिर सब बातें रिलेटिव सत्य आएगी। सेंटर में सनातन सत्य रखो, वो सनातन सत्य दो प्रकार का है, एक ज्ञान के रूप में, दूसरा दर्शन के रूप में। ज्ञान के रूप में सनातन सत्य है मैं शुद्धात्मा हूं, चेतन हूं, अविनाशी हूं और सभी प्रकार की अरण शक्ति वाला हूं। और दर्शन में सनातन सत्य क्या है, कुदरत जो छह तत्व वाला है, कुदरत का कानून जो पूरे ब्रह्मांड को लागू होता है और ब्रह्मांड की हर व्यक्ति को लागू होता है और उससे बनी हुई अवस्था, इसको कुदरती रचना कहते हैं। तो ये जो दो सनातन सत्य सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के रूप में है, यही हमारी दृष्टि में हर समय होना चाहिए। उससे न अहंकार आएगा, न मान सम्मान की बात आएगी, न भीख और भय की बात आएगी, न कर्ता पद और मालिकी पद की बात आएगी। और ऐसे करते करते आप आपके जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मैं समझता हूं ये विज्ञान ही अपने आप में इतना पावरफुल है, जैसे जैसे समझते जाओगे, उपयोग करते जाओगे, अनुभव तो स्वयं को होगा। अनुभव करने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये विज्ञान को धीरे धीरे समझते जाओ। ऐसे एपिसोड हर साल 50-50 बनते रहेंगे। आपका प्रश्न जो डिटेल भेजी है ईमेल वगैरह की, उसमें करते रहो, आपका प्रश्न लेते रहेंगे, उसका उत्तर देते रहेंगे, आपको समाधान देते रहेंगे। आओ हम सब मिलके ये नए विश्व को नई दृष्टि से देखें, समझे, अनुभव करें, हम भी आनंद में रहे और लोग भी यही विज्ञान का उपयोग करके आनंद में रहे, मुक्त रहे, यही मेरी आपको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद, सर्व मंगल हो, सर्व कल्याण हो, जगत कल्याण हो, ओम शांति, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने निष्कर्ष के रूप में हम सबको प्रेरणा दी, उद्बोधन दिया, आशीर्वाद दिया कि सेंटर में परमात्मा को रखो और फिर सनातन सत्य यानी कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून के मध्य बिना किसी व्यक्ति को केंद्र में रख के करते रहो। और इधर जो हमारी मन वचन काया का जो भुगतान हिसाब परिणाम जो चल रहा है उसको कुदरती रचना मान के उसके ऑब्जर्वर रहो और कुदरत के अपने आप को सफर गेस्ट और अपने आप को जो है वो भोक्ता रूप में मानते रहो। मैं तो सफरर हूँ, गेस्ट हूँ, मैं यूजर हूँ, मालिक मत बनो। तो बहुत ही अच्छे आपने हमको सिद्धांत दिए, ये क्योंकि सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित है। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता समस्त श्रोताओं की तरफ से। और श्रोतागण, जब कभी भी कोई समस्या हो तो अगले जब एपिसोड बनेंगे तो उसके पहले आप ईमेल पे, फोन पे, वेबसाइट पे जैसे भी डालिए, सब इकट्ठे हो जाएंगे, नए प्रश्न बन करके नए एपिसोड बनेंगे। तो सभी आपकी तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।